गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट है SST। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट चैप्टर अवर यूनिवर्स। आज का हमारा चैप्टर है अवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। जैसा कि हम अपने ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है और किसको कहते हैं ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, आकाश गंगा, जिसमें तारे होते हैं, प्लेनेट्स होते हैं, सन होता है, मून होते हैं, स्टार्स होते हैं और भी अदर प्लेनेट्स भी होते हैं उसको, और जिसमें एक अर्थ भी होती है जिस पर हम रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं ना हम लोग, सभी लोग रहते हैं, पीपल्स, वुमन पीपल्स रहते हैं, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, खूब सारे इंसान और सब लोग इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करते हैं, वो है अर्थ। अर्थ ये अलग ही है, द अवर यूनिवर्स। इसके बारे में हमने देखा, हमने इसको चर्चित किया कि ब्रह्मांड क्या है, इसके बारे में हमने देख लिया, फिर प्लैनेट्स के बारे में भी हमने रेड आउट किया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है मून। क्या आता है? मून। अब मून क्या है? सबको मालूम है मून मींस चंद्रमा होता है, सबने देखा। कहाँ होता है? आकाश में होता है। कब दिखता है? रात को, एट नाइट को हम इस चंद्रमा को देखते हैं सोते वक्त। सोते वक्त क्यों? चलते भी ऊपर, नेक ऊपर करते हैं अपन, तब अपने को चंद्रमा रात को नज़र आते हैं, चमकीले, एकदम चमकते हुए बड़ा सा नज़र आता है। और कई बार अपन देखते हैं कि अपन जैसे जैसे ऐसे चलते हैं ऊपर मुंह करके, तो चंद्रमा भी ऐसा लगता है कि अपने साथ साथ ही चल रहा है, और किसी के साथ नहीं चल रहा, अपना चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि जो व्यक्ति चलेगा, जो उसको देखेगा, वो चंद्रमा उसी के साथ ही नज़र आता है। फिर अपने दिमाग में कई सवाल होते हैं कि चंद्रमा इतने सारे क्या जो हर किसी के साथ चलता है? चंद्रमा तो एक ही है और अपनी ही जगह पर होता है, वो किसी के साथ नहीं चलता। अब मून के बारे में आपको बताते हैं कि मून का पहले हम देखते हैं, ये छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, ये सबको मालूम है ये मून है, और यहाँ सब नाइट सा होता नजर आएगा अपने को। यहाँ ये क्या है? मून यानी चंद्रमा, यह मून, मून है चंद्रमा। अब हम इसके आगे चैप्टर रीड आउट करते हैं कि चैप्टर हमको क्या कहता है। द मून इज राउंड लाइक द सन। मून क्या है? चंद्रमा की तरह गोल है। क्या है? चंद्रमा की तरह गोल है। इट इज द क्लोजेस्ट नाइबर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? पृथ्वी का सबसे पास का पड़ोसी है, पृथ्वी का सबसे पास का पड़ोसी है। द मून हैज नो लाइट ऑफ इज वॉन ऑन। ठीक है, ये क्या करता है? ये अपने को, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। अपन सोचते हैं चंद्रमा प्रकाश देता है, चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देता। द इनर प्लेनेट्स मर्करी एंड वीनस हैव टू ऑन नो मून्स। क्या है? द इनर प्लेनेट्स मर्करी एंड वीनस हैव नो मून्स। ये क्या? आंतरिक ग्रह, आंतरिक यानी अंदर के जो प्लैनेट्स होते हैं, अंदर के प्लैनेट्स कौन से होते हैं? बुध और शुक्र, जैसे मरकरी एंड वीनस, ये के पास कोई चंद्रमा नहीं है। के द अर्थ हैज वन लार्ज मून। क्या है? कि पृथ्वी का एक बड़ा चंद्रमा है, पृथ्वी का एक बड़ा चंद्रमा है। इट इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई एंड क्लोजर टू द अर्थ। यह रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है और पृथ्वी के करीब होती है। सबसे चमकीली है और पृथ्वी के क्या होती है? बिल्कुल पास में होती है। मार्स हैज टू टीनी मून्स कॉल्ड फोबस और डोमिस, डीमोस। क्या होता है? फोबस और डीमोस। ये क्या, कहाँ होते हैं? ये मंगल, जो विनस जो प्लेनेट है, मंगल, मंगल ग्रह के दो छोटे चंद्रमा हैं जिन्हें फोबस और डोमिस कहा जाता है। द लार्ज आउटर प्लेनेट्स हैव ए यूज सिस्टम ऑफ मून। अब ये कह रहा है कि पहले तो अपन ने आंतरिक इनर के देखे, अब आउटर के देखने, आउटर यानी बाहर की तरफ, अंतरिक्ष के बाहर की तरफ जो प्लेनेट होते हैं उनको देखना है कि वो कहते, वो बड़े बाहरी ग्रह में चंद्रमा की एक विशाल प्रणाली है, आकार में बहुत बड़ा होता है। देयर मून्स आर वेरी लार्ज इन साइज। उसका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा उसका साइज होता है।
अब है अपने द स्टार, ये आपने आज मून के बारे में डिस्कस किया अभी, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द स्टार। अब स्टार्स, ये नाइट के समय क्या होता है, स्टार्स टिमटिमाते चमकीले नजर आते हैं और टिमटिम करते थे, ट्विंकल ट्विंकल, जैसे अपन पोइम सुनते हैं ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या होता है ट्विंकल ट्विंकल, रात को स्टार चमकते हैं तो टिमटिमाते करते हैं। अब स्टार्स के बारे में देखते हैं, द स्टार्स आर हैव, द स्टार्स आर यूज हैविंगली बॉडीज, ये क्या है सितारे, क्या होते हैं सितारे, अपन कहते हैं ना तारे चमकीले तारे लेके आते हैं, तो इनको कई लोग इसको सितारे भी बोलते हैं, ये स्वर्गीय शरीर है। द हैव हीट एंड लाइट ऑफ देयर वॉन, उनके पास खुद की गर्मी और रोशनी होती है, किसकी, स्टार की खुद की गर्मी होती है और रोशनी होती है। वी सी काउंटलेस स्टार्स, और वी सी हम ना तो देख उसको गिन नहीं सकते, हम उनको देखते हैं ना तो हम उनको क्या नहीं कर सकते, गिन उसकी गिनती नहीं कर सकते स्टार्स की। अब है ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, और क्या करता है ट्विंकल, रात को हम रात को ये रात के समय टिमटिमाते इन चमकीले तारों को देख आकाश में देखते हैं। द ब्राइट स्टार दैट वी सी इन द स्काई इज द पॉली स्टार, जिससे चमकते हुए तारों को आकाश में हम देखते हैं वो कौन सा है, ध्रुव तारा है, जो सबसे ज़्यादा चमकता है जब वो कौन सा तारा कहलाता है, ध्रुव तारा कहलाता है। सम स्टार्स अपीयर टू फ्रॉम पैटर्न्स दैट लुक लाइक फिगर्स ऑफ एनिमल्स पीपल और थिंग, कुछ तारे ऐसे पैटर्न बनाते दिखाई देते हैं, पैटर्न अलग आकृति बना दिखाई देते हैं जो जानवरों लोगों या चीजों के आंकड़ों की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर है सच पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्सिटेशन, क्या बोलते हैं इसको, फिर से द सच पैटर्न आर कॉन्स्टिलेशन, वन ऑफ द क्लोजेस्ट कॉन्स्टिलेशन इज द ग्रेट बियर। अब क्या है, ऐसे पैटर्न को नक्षत्र कहा जाता है, सबसे स्पष्ट नक्षत्र में से एक महान है, जो कौन सा है, भालू, बियर, क्या है, बियर। फिर सम अदर कॉन्स्टिलेशन आर स्कोर्पियस एंड लियो, ये कुछ अन्य नक्षत्र है स्कोर्पियस और जिसको होते लियो, लियो स्कोर्पियस होता है बिच्छू की तरह, द लायन, द लॉयन। ये है आज का हमारा चैप्टर, ये द स्टार्स के बारे में देखा, द मून के बारे में देखा कि मून कहाँ होता है, आकाश में होता है, स्टार कहाँ होते हैं, आकाश में होते हैं, हम टिमटिमाते इनको देखते हैं, लेकिन स्टार की खुद की रोशनी होती है, ये अपने को अब देखते हैं कि स्टार अपने खुद अपने आप चमकते नजर आते हैं, और इनकी आकाश के अंदर इनकी आकृतियाँ कई प्रकार की चमकती नजर आती है, कई आकृतियाँ बनाती है, कई शेप देते हैं अलग अलग तरह के, ये अपने को शेप में नजर आते हैं। आज ही अपना रेड आउट चैप्टर रेड आउट किया है, आज ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसी के साथ हम आपको इसके क्वेश्चंस भी करवाते हैं। हाँ अपना अपने देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये यस मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ, What is the solar system made of? क्या है? What is the solar system made of? Made of solar system किससे बना है? क्या पूछा इसने? Solar system किससे बना है? The solar system is made up the sun and the eight planets.
जो सोलर सिस्टम जो है अपना वो किससे बना है, एक तो सूर्य से, सूर्य के जो 8 planets है उससे मिलकर बना है, 8 planets उसी से बना है। फिर है सेकंड क्वेश्चन, नेम ऑफ द 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम बताओ, क्या है सोलर सिस्टम के 8 planets है उनके नाम बताओ। अब कौन कौन से उनके 8 planets, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून, कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये 8 planets हैं। अब इसने पूछा थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द आउटर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स जो बाहर के जो प्लैनेट्स हैं वो कौन से है, क्या है, विच इज कौन से प्लैनेट्स है जो बाहर है आंतरिक रूप से, आउटर क्या पूछा इसने, आंतरिक, बाहर के जो 4 planets है वो कौन से है, क्वेश्चन क्या है, विच, सॉरी थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी, व्हाट आर द फीचर ऑफ द आउटर प्लैनेट्स, बाहर के ग्रहों की विशेषता क्या है, क्या पूछा इसने, बाहर के ग्रह जो होते हैं, बाहर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी क्या विशेषता है, तो दे आर बिग इन साइज, जो बाहर की तरह जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्या होता है, साइज में, आकार में बहुत बड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच 2 planets डू नॉट हैव एनी मून्स, अब ये कहते हैं बाहर ग्रह, किन 2 ग्रहों के चंद्रमा नहीं है, किन 2 ग्रहों के चंद्रमा नहीं है, कौन से 2 ग्रह, मरकरी एंड वीनस, कौन से है, मरकरी और वीनस। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द 2 women एस्ट्रॉइड हु हैज गॉन इन स्पेस रिप्रोटेक्टिव रिस्पेक्टिव रिस्पेक्टली, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 2 महिला के नाम अंतरिक्ष में यात्री में 2 महिलाओं के नाम बताने, कि वो 2 महिलाएं कौन कौन थी, कौन कौन सी थी, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स, कौन कौन सी थी, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी डेज डिड राकेश शर्मा स्पेंट इन स्पेस, राकेश शर्मा जो है कितने दिन अंतरिक्ष पर रहा था, कितने दिन तक, 8 दिन तक, कितने दिन बिताए उसने, किसने, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष पर कितने दिन बिताए, 8 days, कितने दिन, 8 days। आज का हमारा ये चैप्टर हुआ कंप्लीट, हमने इसके आपको फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द करेक्ट आंसर, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, और आज हमने आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हैं। अब आपको इनको रीड आउट करना है, चैप्टर को रीड आउट करना, बार बार वीडियो को देखना, जितनी बार आप वीडियो देखोगे, बार बार उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें चैप्टर में क्या कहा गया है, किसके बारे में बताया गया है, और इनके क्वेश्चन भी अच्छे से रीड आउट करना के, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू।